ब्यावर उपखंड की शराब ठेकेदार आज अजमेर कलेक्टरेट पहुंचे और उन्होंने ब्यावर पुलिस के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शराब के ठेकेदारों का कहना है कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार शराब की बिक्री कर राजस्व की वसूली कर रही है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस को भी सचेत किया गया है। ऐसे में शराब की दुकानों पर किस तरह से कोई ग्राहक शराब देने पहुंच सकता है। इस समस्या को लेकर जब स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी और इसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और इसी को लेकर आज अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शराब की दुकानों के बाहर पुलिस आए दिन गाड़ी लगा देती है और उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसे में वह सरकारी दुकान पर भी अपना सामान नहीं भेज पा रहे, जिसके कारण ठेकेदारों को लोड होने के साथ साथ सरकार को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में जल्द समाधान की मांग की गई है और जब तक समाधान नहीं होगा वह अपनी दुकानें बंद ही रखेंगे। माननीय कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सर्वप्रथम जिस काम से हम जुड़े हुए हैं, हमारा काम होता है राज्य सरकार को राजस्व की पूर्ति करवाना। हम लोग जब ये शराब के ठेके लेते हैं तो उससे गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है और सभी सरकारी कर्मचारियों की उसमें तनख्वाह विकास के कार्य होते हैं। तो हम लोग ने जब से ये व्यवसाय शुरू किया है, ब्यावर में हमारी कल से दुकानें बंद है और आज भी दुकान बंद है, कारण कि IPS स्मित मेड़ा हम लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ग्राहक आएगा तभी तो माल बिकेगा। अब गाड़ी बाहर आके खड़ी हो जाती है, ग्राहक माल देखते ही गाड़ी बक जाता है, क्योंकि संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। शराब पीना भी हानिकारक है पर जिसको लेना है तो वो लेगा कैसे, पुलिस की गाड़ी देखते ही बक जाता है। इसलिए हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आएंगे। रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, कल 60 लाख रुपए का हुआ, करीबन 60 से 70 लाख रुपए का आज और होगा। जब तक हम दुकानें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। माननीय अजमेर कलेक्टर साहब से गुजारिश रहेगी कि वो इस मांग में संज्ञान लें, क्योंकि रेवेन्यू की पूर्ति करवाना एक IAS का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, और यही इनसे गुजारिश लेके आए। हमारी मांग ये है कि जो ग्राहक आता है और जो माल आता है, तो जैसे ही ग्राहक आता है तो पुलिस की गाड़ी बाहर रहती है तो ग्राहक बच जाता है। और दूसरी बात, सरकारी दुकानों को ही टारगेट किया जा रहा है। टारगेट उनको करो जो अवैध बेच रहे हैं, जो नकली माल बेच रहे हैं, जो बिल्कुल जो गवर्नमेंट को घाटा पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं है और सरकारी आदमी पे कार्रवाई है, इसी का विरोध है हमारा। मैं अशोक पालूटिया, ब्यावर से।